छपरा में 6 क्विंटल गांजा जब्त किया गया। गांजा को ट्रक में गुप्त तहखाना बनाकर लाया जा रहा था। जब्त गांजा की कीमत करीब 4,60,000 रुपए बताई जा रही है। साथ ही 2 तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। छापेमारी अभियान के अंतर्गत सारण SP संतोष कुमार को गुप्त सूचना मिली कि नागालैंड नंबर की एक बिना बॉडी की ट्रक, जो आसाम से नशा युक्त मादक पदार्थ लदे नगरा की ओर आ रही है। इसके बाद SP के निर्देश पर खैरा थाना अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने टीम बनाकर पटेढ़ा बाजार पर घेराबंदी कर दी। इसके बाद उक्त नागालैंड नंबर वाली बिना बॉडी वाली ट्रक को रोककर काफी बारीकी से ट्रक की तलाशी ली गई, तो ट्रक में नीचे वाली बॉडी में 2 तहखाने से 4 और 10 किलो के प्लास्टिक के पैक में रखे गांजे की 66 पैकेट से 6 क्विंटल गांजा को बरामद किया गया। साथ ही ट्रक के साथ पटेढ़ा निवासी को मादक पदार्थ तस्कर को भी हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। देखिए, गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गांजा की खेप आ रही है और उसको इंटरसेप्ट किया गया यहाँ के पुलिस के द्वारा, और उस दौरान जो है इसमें बड़ी मात्रा में 550 केजी से भी अधिक मात्रा है, जिसकी अभी चल रही है उसमें प्रक्रिया, उसका वेट भी किया जा रहा है और पूछताछ भी की जा रही है, और इसके बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि ये खेप कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी। इस मामले को गहराई से लेते हुए जिला स्तरीय टीम को भी वहाँ पर भेजी गई है, और पूछताछ के बाद और भी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी कि इसमें नेटवर्क किस तरह से काम करता है और इसमें कौन से लोग जुड़े हुए हैं, स्थानीय लोग जुड़े हुए हैं या बाहर के लोग जुड़े हुए हैं। इन चीज़ों का पता लगने के बाद बाकी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। गिरफ्तारी भी हुई है, कितना बाजार मूल्य हुआ इसका? अभी जो फिलहाल जो है वहाँ जो गाड़ी जब्त हुई है उसका ड्राइवर और उसके साथ जो और थे सहायक चालक, उनको डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ हो रही है। बाकी टेक्निकल डिटेल्स पर भी काम चल रहा है और संभवतः और भी लोगों के बारे में पता चलेगा इस मामले में, और भी गिरफ्तारियाँ की जाएगी। देशवा न्यूज के लिए छपरा से राकेश कुमार की रिपोर्ट। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।